આપણે જેમને રાહ જોઈ રહ્યા છે એવા પ્રખર વક્તા ડાયરેક્ટર ઓફ ટ્રેઝરર સ્ટેટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર પણ રહી ચુક્યા છે અને હાલમાં ડાયરેક્ટર ઓફ આઈએએસ એન્ડ એલાઇડ કોચિંગ એન્ડ ગાઈડન્સ સેલ હજ કમિટી ઓફ ઇન્ડિયાના ડાયરેક્ટર જનાબ સૈયદ સાદિક અલી કાદરી સાહેબને મુજે કહા ગયા હૈ कि एजुकेशन पे थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं खुद अनपढ़ हूं, अनपढ़ इन गुजराती, आई एम सिंपली जीरो इन गुजराती, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन उर्दू एंड इंग्लिश, काइंडली एक्सक्यूज मी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया गया है, पूरे मेहमान खुशी आए हैं और अवार्ड काफी दिए गए हैं। अफसोस की एक बात देखी गई है कि मेहमान जो बता रहे हैं थ्री फोर्थ डायस जो है थ्री फोर्थ ऑडियंस जेंट्स का है और वन फोर्थ लेडीज का है, लेकिन अवार्ड में 90% लेडीज गए और 10% जेंट्स गए, वैसा क्यों? एजुकेशन की जो है बैकवर्डनेस है। हमने जो है पढ़े हैं, हमारी पढ़ाई में बड़ी हुई है, लेकिन जितने स्पीड से लेडीज अपने एजुकेटेड हुए हैं उतने स्पीड से जेंट्स एजुकेट नहीं हुए। वी शुड गो थ्रू द रीजंस, क्या कारण है क्यों पीछे रह गए हम। फ्रेंड्स, मैं महाराष्ट्र के अकाउंट्स एंड ट्रेजरी डायरेक्टर रह चुका हूं, वहां से रिटायर हुआ और हज कमिटी में जो है आईएएस कोचिंग से जो चलती है उसका डायरेक्टर बनाकर रखा गया है। इस कोचिंग सेल में जो हज कमिटी ने शुरू किया है अपार्ट फ्रॉम द हज पिलग्रिम्स सेवा, थ्रू आउट इंडिया के जो मुस्लिम एस्पायरेंट्स है जिसको आईएएस करने का शौक है, जिसको जो चाहते हैं, तो वी स्क्रीन देम थ्रू एंट्रेंस टेस्ट एंड सेलेक्ट देम फॉर कोचिंग फॉर वन ईयर इन आर कोचिंग सेल एट मुंबई। वन ईयर विगरस कोचिंग इज गिवन टू देम। वी हैव एम्प्लॉयड अ फैकल्टी आती है, उन्हें लेक्चर देती है, टेस्ट देती है, काउंसलिंग करती है, नोट्स देती है और देखती है कि बच्चे आईएएस या अलग सर्विस में जाने। उस तरह हुआ है, एक लड़का हमारा आईपीएस ओके अभी एडिशनल सीपी लखनऊ में रुजू हो गया है। उसी तरह लास्ट ईयर मोहम्मद शकील अंसारी जो आपके नेबरिंग जिला नंदुरबार में है, वहां से वो आईआरएस पास हो गया, इन रेवन्यू सर्विस इनकम टैक्स। देखिए, उसे चाहता है कि आईएएस हो जाए, फिर से वो अपियर हुआ है आईएएस के लिए, इंशाल्लाह वो सक्सेस हो जाएगा। इसी तरह नेवी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, काफी डिपार्टमेंट में हमारे जो है लड़के पास होके सेलेक्ट हो गए। आप लोगों से उम्मीद है, दुआ कीजिए कि और भी बच्चे हमारे इस साल पास होंगे। इस साल जो है आईएएस प्रीलिम्स पहला पार्ट है आईएएस एग्जाम्स का, उसमें 9 बच्चे पास हो गए 24 में से और 9 बच्चे मेन एग्जाम दिए हैं। उम्मीद है कि वो ओरल के लिए जाएंगे और पास हो जाएंगे। वैसे महाराष्ट्र देखा जाए तो एजुकेशन में यहां से ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अब आपसे ये कहना है मुझे कि एजुकेशन में इंपॉर्टेंस क्या है। सभी लोग कुरान पढ़े हैं, जब कुरान नाजिल हुई थी तो पहला सूरा क्या था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
इकरा बिस्म रब्बिकल अज़ीम खलक़ल इंसाना खलक। पढ़ो, रीड इन द नेम ऑफ योर क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। पढ़ो उस खलक के नाम से जिसने आपको नाजुक खून की नाजुक बूंद से बनाया। तो पहला जब कलमा जब नाजिल हुआ है पढ़ने के बारे में तो हम पीछे क्यों रह गए? हर आदमी ने, हर बच्चे ने अपने दिल में डालता है ना कि क्यों नहीं पढ़ता हो। पढ़ने लिखने से इंसान की शख्सियत मजबूत होती है, हौसला अफजाई होती है, वो वाइज होता है, ही कैन टेक डिसीजंस। ऐसे ही छोटी सी एक चुटकुला में मेरा एक्सपीरियंस में आया है। पढ़ी लिखी लड़की अपने अनपढ़ बाप को एक ट्रिप पे भेजती है, उसको नया कोट वोट पहना के, टाई वाई लगा के, टिकट निकाल के, नया मोबाइल देकर जाइए, आप घूम के आइए। अनपढ़ बाप निकला गैस स्टेशन पर, ट्रेन समझे ट्रेन कौन सी है, कुली से पूछ रहा है, अरे भाई वो ये ट्रेन कौन सी है, ये है आ, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, पश्चिम लक्ष्य को ये है, उसे बैठ जाइए, टिकट बता रहा उसको, जब पढ़ो इसमें कौन सा मेरा बोगी है, कौन सा बर्थ है। तो कुली हंसता है, बोले क्या है, पढ़ अंदर बात भी है यार, ठीक है, बोले ये बोगी है A2 AC थी, हाँ जाते हैं, बैठ गए अपना एक बर्थ पे, जनाब ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। दूसरा इसमें आया, उठी जगह मेरी है ये, अरे मेरा टिकट है मेरे पास तो, अरे भले भले आपका बर्थ 75 है, ये बर्थ 35 है, कहाँ बैठे हैं आप। तो हर जगह पे वो उसकी जो है इतनी इंसल्ट होता है अनपढ़ इंसान का, वो जाके फिर वहां बैठा 75 पर। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं अपने आप से, क्या ये पढ़ रहे हैं, क्या है, क्या न्यूज, क्या है न्यूज, क्या है, मतलब पढ़ी भाई आप पढ़ी क्या नहीं है, मैं अनपढ़। उतने में वो उसके जेब में का मोबाइल बजता है, वो निकाल रहा है, समझ रहे क्या दबाना, फर्स्ट टाइम मोबाइल हाथ में लेके आया, आप देखिए भाई मोबाइल किसका है, जरा बताइए किसका है, तो बताना पड़ रहा है उसको। तो इंसल्टिंग होती है एक अनपढ़ इंसान की इस दुनिया में, कंप्यूटराइज वर्ल्ड में पढ़ना लिखना जरूरी है। अभी यह हालत है कि लड़कियां पढ़ लिख के हाईली एजुकेटेड हो गई है, उनकी शादी के लिए उनके कंपैरेटिव उनके लेवल का हस्बैंड नहीं मिलता, नो मैच, प्रॉब्लम हो रही है उनको, अल्लाह ना करे कुछ गलत काम हो जाए। तो अभी से आप जाके अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, सब लोगों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाए, हौसला अफजाई करें। आप लोग थक गए होंगे, ज्यादा टाइम लेता नहीं आप लोगों का, तो यह है चंद बातें मैं आपका रखा हूं। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने मुझे यहां पर अध्यक्ष पद के लिए नवाजा है और इतना अच्छा इंतजाम किया है, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोग आपकी ये मेटी इसी तरह है आगे बढ़े, हर साल के प्रोग्राम अच्छे हुए, काफी लोगों को ये अवार्ड्स मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह। कौन सा भी चैनल नहीं होती थी, उसमें विद्यार्थियों का इंटरव्यू आ रहा था, एक बच्ची को उसके एंकर ने पूछा कि आप बड़े होके किससे मिलना चाहेंगे, अमिताभ बच्चन से मिलना चाहेंगे या फिर रवि शास्त्री से मिलना चाहेंगे या फिर किसी बड़े प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे। उस लड़की ने इतना अच्छा जवाब दिया, वो मुझे अभी तक याद है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहूंगी, मैं बड़ी होके अपने आप को ऐसा बना दूंगी कि लोग मुझसे मिलना चाहेंगे। इसलिए आप सबको ये आखिरी बात मुझे कहनी थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे ही पूछ ले, बता देगा कैसा क्या है। शुक्रिया।